देखो यार, हर जगह गेमप्ले से तो काम नहीं होने वाला, कहीं पर हम लोगों को अपना आईक्यू भी यूज करना पड़ता है। कहने का मतलब है दिमाग यूज करना पड़ता है, आईक्यू लगाना पड़ता है, जो कि यार मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। इस गेम में कुछ ऐसे मोमेंट्स शेयर करने वाला हूं जब भाई आईक्यू का बहुत यूज था और हम लोगों ने थोड़ा बहुत भी किया। और यार काफ़ी दिन से ना देखो डेली वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही, बिकॉज यार आप लोगों की देखो सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं आ रही, तो भाई वीडियो बनाने का दिल ही नहीं चाहता। भाई करें तो क्या करें, अब अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो भाई समझ लो वीडियो भी आएगी, बट यार करो तो, नहीं करोगे तो भाई तो भी वीडियो बनाएंगे, टेंशन मत लो तुम। गजब टू बी आजाद, सो सपोर्ट प्लीज। अच्छा तो भाई ये है हमारी वो फर्स्ट भाई मोमेंट, और इससे भाई कुछ भी बोल सकते हो आप, कुछ भी नाम दे सकते हो इससे भाई। देखो अब यहाँ पे हम लोग आए थे भाई मजे से भाई लूट करने के लिए, यहाँ पे जो अपना एयर ड्रॉप है इसका नाम पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, नाम नहीं पता मुझे इसका, बट भाई एयर ड्रॉप के पास भाई लूट क्या ही लूट होती है, तो भाई यहाँ पे हम लोग लूट करने आए थे। अब भाई यहाँ पे सीन कुछ हुआ कि अब यहाँ पे हम लोग लूट कर रहे थे भाई, सामने से जिस बंदे का मतलब जिस चीज़ का इंतजार था, नाम लिया था मैंने, और भाई यहाँ पे शैतान हाजिरी था, मतलब भाई एनिमीज हाजिरी थे, और भाई अब यहाँ पर सीन नहीं हुआ। देखो भाई आप डैमेज तो उनको दे रहे थे, भाई डर ये देखो पीछे से कोई ना आ जाए, भाई इस ड्रॉप के पास बंदे आते ही आते हैं, भाई पीछे से कोई ना आ जाए, इसने भाई तुम्हारे भाई ने लगाया आई क्यू, मुझे मिल चुका था लॉन्च पैड, और भाई लॉन्च पैड लगाया, देखना भाई यहाँ पे मैंने निकाला लॉन्च पैड, लॉन्च पैड लगा, फिर टीममेट के देखना भाई टीममेट ने लगा दिया अपना ग्लू होल, वरना तो भाई ये लोग बंदे कर देते मेरा किल। टीममेट ने जो भाई अपना जो एक आई क्यू मतलब एक भाई अपना वो चीज़ दिखाई, क्या बोलूँ मैं, काफ़ी चीज़ देखो भाई इसने आपसे आया, और भाई आते ही बंदे ने लैंडमाइन लगा दी, अब इसका फ़ायदा क्या हुआ वो देखना। अब जैसे इसने लैंडमाइन लगाई ना, मुझे तो पता ही नहीं कि बंदा आ रहा है, अच्छा आ भी रहा था मुझे पता तो था, बट यार मेरा एम ही नहीं गया, और जैसे ही बंदा वहाँ से कूद के भाई आया, अब देखना देखो आ रहा है ठीक है, ये आया सीधा भाई लैंडमाइन के ऊपर और सीधा हो गया किल, वरना भाई आके हो सकता मैं मार भी देता, ऐसा कुछ पता नहीं कि भाई हम उसे मार देते, बट भाई हुआ ही सीन ये कि भाई पहले किल हो गया, और अभी भी इसने लैंडमाइन लगाई थी, पता नहीं क्यों एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा ही हो गई थी शायद इसको। एनीवे भाई आगे देखो सीन क्या होता है, अब यहाँ पे इसका जो टीममेट था वो तो बंदा निकल ही नहीं रहा था, पता नहीं किस चीज़ के अंदर छुप गया, मतलब भाई भाग ही गया था यहाँ से ठीक है ना, उसको पता है भाई मरना है मुझे, इसलिए भाई शॉट हो गया वो। अब देखो नीचे पता नहीं इसका भाई लग सही नहीं था, पता नहीं क्या काम से इसने फायर किया, और ये मेरे हाथों हो गया किल। अब नेटवर्क शुरू है इसने भाई थोड़ा लेग हो रहा है। नेक्स्ट और फाइनल मोमेंट भाई यहाँ पर हुई थी, और बहुत भाई खतरनाक मोमेंट थी यहाँ पर, अगर भाई थोड़ा दिमाग से काम नहीं लेते तो समझ लो भाई खतरनाक माइनस लग जाता। हुआ यूँ कि भाई यहाँ पर एक स्क्वाड थी, और भाई मैंने सोचा कि भाई यहाँ पर रश कर देंगे और स्क्वाड को कर देंगे फिनिश, बट सीन कुछ उल्टा ही हो गया, मैं जैसे यहाँ पर आया बंदा मुझे मिला ही नहीं, मतलब भाई बंदा कहीं गायब हो गया यहाँ पर, और भाई यहाँ पे जो लूट थी उस लूट को देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं यहाँ पे बैठ गया लूट करने के लिए, मुझे लूट करनी है मुझे जाना ही नहीं है, बंदा मार दे तो भले मार दे, भाई ग्लूवॉल इतने थे ऐसा लग रहा था मतलब भाई पूरा बैंक ही लूट लिया ग्लूवॉल का, बट हो गया था ना लालच बुरी बला है, जैसे मैं यहाँ पे भाई बैठा और पीछे से बंदा आ गया। अब सीन ये हुआ कि भाई मेरी गन जो है ना MP5 वो चले गई, अब भाई गन MP5 लेने के चक्कर में मेरा टीममेट मर गया बेचारा, उसकी मैं हेल्प नहीं कर पाया, देखो बंदा मेरा टीममेट गया फिनिश, बट जो भाई फ़ायदा हुआ ये कि भाई इतने सारे टोकन्स प्लस भाई लॉन्च पैड भी मिल गए, और भाई इतने सारे ग्लूवॉल मिल गए कि भाई कोई टेंशन नहीं थी, भाई मैं इनसे फाइट भी कर सकता था, बट मैंने भाई ये डिसीजन लिया कि भाई जाके टीममेट को रिवाइव करना है, क्योंकि भाई अगर मैं मर गया तो भाई वो मुझे संभालेगा, भाई ये जो डिसीजन था ये अमेजिंग डिसीजन था। अब भाई मैंने उसको रिवाइव किया और अब मैं भूल जाऊँगा साइड पर, क्योंकि मुझे पता था कि भाई मुझे मरना है यहाँ पे, बट ऐसा नहीं हुआ, मैं भाई यहाँ पे देखो हिल करूँगा ना पीछे से बंदा आ जाएगा, अब उसका लक ख़राब था फिर मेरा लक अच्छा था, भाई उसका उसकी भाई एक भी गोली मेरे को छिपकी नहीं भाई, मेरा सीधा सीधा भाई आराम से हेड चले गया उस कैंप पे, उल्टा बोल दिया शायद यानी कहने का मतलब है मेरा एम चले गया उसके हेड पे, मैंने कह दिया मेरा हेड चले गया उस कैंप पे, चलो भाई कोई नहीं। यहाँ पे हम लोग भाई बच चुके थे, अब भाई यहाँ पे मेरे पास एक लॉन्च पैड तो था जो कि भाई वहाँ से हम लोग को मिला था, लॉन्च पैड लगाते पीछे एक और एनिमी था उसको मैंने इग्नोर मारा, क्योंकि अगर उसको इग्नोर नहीं करते तो भाई हम लोग इग्नोर हो जाते। यहाँ पे लेके मैं निकला, अब सामने वो बंदा था, गलती हो गई भाई इसको इग्नोर नहीं कर पाए, और भाई नहीं किया तो समझ लो हम ही इग्नोर हो गए। अब देखना भाई यहाँ पर मैंने किल की लालच की, अब सीन क्या होता है बंदा आगे जा रहा है मज़े से, मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ, उसको पता नहीं मैं पीछे से बंदा आ रहा है, बट फिर भाई मुझे लगा कि इस बंदे को मैं किल कर लूँगा, बट उसके पीछे कुछ पेन था या फिर ऐसा कुछ मिली वेपन था जो भाई उसको प्रोटेक्ट कर लिया पीछे, उसने भाई उसको एक भी उसके एम मतलब भाई हेड पर एक भी गोली नहीं चिपकी, खुद ही देख लो यार मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, मैं भाई उसको गोलियां काफ़ी मैंने ट्राई की मारने की, बट उसके टीममेट था पता नहीं कौन था भाई, उसने M4A1 का हेड चिपका दिया मेरे अंदर, कर लो भाई मेरा टीममेट भाई क्या ही खतरनाक टीममेट था, इसमें मैंने बोला भाई ये डबल डोर के अंदर जाके बैठ गया सुकून से, बट भाई यहाँ पे बंदे थे, बंदे से तो नहीं मरा ये भाई, देखना भाई लैंडमाइन थी, लैंडमाइन से मर गया पहले ही, बंदा भी आ रहा था, बंदा भाई आता ही क्यों उससे पहले ही मर गया वो। सो भाई कैसी लगी वीडियो, आई होप आप लोग इन्जॉय की होगी, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है वो कर देना।